फतेहाबाद के गांव सनियाना के नजदीक भाखड़ा नहर में कार गिरने और महिला सहित उसके बच्चे की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल घटना के बाद आज तीसरे दिन महिला की डेड बॉडी नहर से बरामद हुई, लेकिन इसके साथ ही मृतक महिला के पिता धर्मपाल ने अपने ही दामाद पर बेटी और दोहते की हत्या करने की आशंका जता दी है। महिला के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है कि षड्यंत्र के तहत उसके दामाद ने कार नहर में गिराई थी और खुद बचकर बाहर निकल आया। इस हादसे में महिला और उसके बेटे की मौत हो गई है, जिसको लेकर अब मामला गर्म हो चुका है। 10 बजे चला था परसों रात को नरवाना से चला था, हमने गया रात ना आराम कर ले, कोई बात नहीं सुबह चले जाइए, बोले 1,00,000 रुपये लेके गया ये हमारे घर से, बोले ना मैं तो रात को ही जाऊंगा। कौन था जी वो 1,00,000 रुपये लेने वाला? ये अपने गुडिया का बच्चा। अच्छा जी। हाँ जी। तो घटना हुई जी ये कम से कम 11:30 बजे सी, ये नहर के पास जी, सनियाना नहर के पास पहले नहर आती है जो, वहीं पे इसने 10 मिनट गाड़ी रोकी। रोकने के बाद इसने क्या किया, धक्का दे दिया गाड़ी को, लड़की को मार के। प्री प्लान हो रहा है, पूरे साजिश के साथ इन्होंने ये काम किया है। इसमें सारे इसके घर वाले, इसका देवर, जो कि 4 मिनट बाद लड़की के मरने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी में आ जाता है, 4 मिनट बाद फोन करते ही वो उपलाना से आता है, ना कि बुनना से, 4 मिनट बाद आ जाता है। और पूरी प्लानिंग के साथ दोनों भाइयों ने और इनके माँ बाप सारे रड़ी मिली साजिश है इनकी, और हमारी लड़की को मार के इन्होंने नहर में धक्का दे दिया जी गाड़ी के साथ। तो नहर में धक्का दिया गया जी आपके? नहर में धक्का दिया गया गाड़ी समेत। तो मैं हमारा 2.5 साल का बन जाता जी गाड़ी के अंदर, और मेरी सिस्टर रात को आ रहे थे हमारे घर से, चले थे 10 बजे करीब जी। ये जो नरवाड़ा का धर्मपाल है व्यक्ति, उसकी लड़की सुमन या मनोज सोनी नाम व्यक्ति के साथ बुना में शादीशुदा थी, और जो 28 तारीख को करीब 10 बजे नरवाड़ा से बुना के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ चला था, जिसकी गाड़ी सनियाना के पास नदी में गिर गई और वो मनोज बच गया उस दुर्घटना में, और ये उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसमें डूबकर उनकी डेथ हो गई। उसके परिवार के जो सुमन के परिवार के जो हैं, उन्होंने उसके खिलाफ हत्या की आशंका जाहिर की है, जिस पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें अनुसंधान जारी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लड़की के पिता ने शिकायत देकर 302 का मुकदमा दर्ज किया? जी हाँ, उसके फादर हैं जो उनके परिवार को शक है कि उसकी बेटी को डूबकर मारा गया। इनका कोई मतभेद था सर, कोई आपस में इनका कोई? पहले अभी ये डिस्क्लोज सारी बातें हो जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। उधर मृतक महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है, और अब पुलिस इस मामले की जांच हत्या के एंगल से भी कर रही है। बता दें कि 28 अगस्त की देर रात को कार भाखड़ा नहर में गिरी थी, महिला का पति मनोज कार चला रहा था। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मनोज सकुशल नहर से बाहर आ गया, जबकि उसकी पत्नी और 3 साल का बेटा पानी के बहाव में बह गए। हालांकि अभी तक पुलिस घटना को हादसे के रूप में देख रही थी, लेकिन महिला के पिता की शिकायत पर मामले में नया मोड़ आ गया है। ऐसे में पुलिस ने अब मनोज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।